मल्टी लेवल कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है ये अमानीगंज में बन रहा है। सो इसका भी निरीक्षण करेंगे। देखिए यहाँ पे काउंटर वगैरह बना हुआ है, ये देख रहे हैं सोफ़ा वगैरह लगा है। सो यहाँ पर आके स्टे करेंगे आई थिंक, इस वजह से यहाँ पर इसका। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस कैसे हैं आप सब? देख रहे हैं यहाँ पर चौड़ीकरण किस तरह हो रहा है और इस चौड़ीकरण की स्थिति जानने के लिए खुद यूपी के CM यहाँ पर आ रहे हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर कितनी ऊँचे ऊँचे बिल्डिंग हैं, सब के सब ख़त्म हो रही हैं। काफ़ी टाइम से मैं इस चौड़ीकरण की अपडेट लगातार तो दे ही रहा था। सो आज कुछ खास होने वाली है क्योंकि आज यूपी के CM यहाँ पर निरीक्षण करेंगे। सो देखने वाली बात ये कि किस तरह का मंजर यहाँ पर देखने को मिलता है। सो हम दिखाएंगे आपको। और क्योंकि यहाँ पर जितने चौड़ीकरण की रोड है भक्तिपत और इस रोड पर मैं करंटली चल रहा हूँ, ये रोड का और अयोध्या के एयरपोर्ट का, रेलवे स्टेशन का, और एक मैंने अपडेट और दी थी एक सुरकुंड बन रहा था और उसकी भी निरीक्षण करने खुद CM आ रहे हैं। सो इसलिए यहाँ पे हाई सिक्योरिटी काफ़ी होगी। तो हम चलते हैं अयोध्या की तरफ और दिखाते हैं। ये साहबगंज की तस्वीर है, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो दोनों तरफ यहाँ पर भी चौड़ीकरण काफ़ी पड़ा पड़ा आपको देखने को मिलेगा। और इधर साइड तो यूपी के लिए डेवलप करने के लिए यहाँ पर देखिए एक छोटी सी मंदिर थी सो हटा दी गई, तो यहाँ पर भी यूटिलिटी ढक बनने के लिए। सो देखेंगे आप यहाँ पर ये पूरा का पूरा एरिया यहाँ पर ढक दिया गया है जहाँ पर यूटिलिटी ढक बनना है। सो ये देखिए पूरा हरा हरा पर्दा लगाकर, क्योंकि CM आ रहे हैं तो निरीक्षण करेंगे, सो इसको ढका होना ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पर भी आएंगे, ये मल्टी लेवल कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है ये अमानीगंज में बन रहा है। सो इसका भी निरीक्षण करेंगे। देखिए यहाँ पे काउंटर वगैरह बना हुआ है और टेंट वगैरह लगा दिया गया है। देखिए ये कॉम्प्लेक्स का भी निरीक्षण करेंगे और जितने भी कॉम्प्लेक्स है अयोध्या में, फैजाबाद में जो भी बन रहे हैं सो उनका भी ये निरीक्षण होगा। और हम आगे चलते हैं, दिखाते हैं क्या क्या देखने वाले हैं और कैसा बना है। एक्चुअली में मैं परसों नरसों आया था इधर साइड, तो यहाँ पर रात में 10 बजे ही इसकी सफाई हो रही थी। कल ही परसों आया था तो इसकी सफाई पूरे रोड की काफ़ी तेज़ी से हो रही थी। और इस रोड पर जो है एक ट्रैक्टर वाली झाड़ू आती है, सो उससे झाड़ू वगैरह भी लगाया गया, इस रोड को साफ किया गया। देख रहे हैं यहाँ पे ये चूनाकारी भी की गई है इस रोड पर, और किनारे किनारे जो भी बैरिकेडिंग भी लगा दिया गया है। रात में बहुत तेज़ी से अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करके कुछ अधिकारी साफ़ सफाई यहाँ पर भी करवा रहे थे, देख रेख कर रहे थे कि यहाँ पे CM कुछ जायज़ा लेने आ रहे हैं। तो यहाँ पे अब जो है कुछ साफ सफा दिख रहा है, नहीं तो बहुत ही धूल और बहुत ही गर्दोगबार हो रहे थे। और यहाँ पर देखिए एक क्रेन खड़ी है, ये कौन सी क्रेन है भाई कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही बड़ी बड़ी हाइड्रोलिक यहाँ पर क्रेन वगैरह। तो इधर साइड भी यहाँ पर ये पर्दा लगा दिया गया है, पूरा बैरिकेडिंग करके इसको ढक दिया गया है कि इसी रास्ते से आए जाएंगे। और हम आगे चल के दिखाते हैं कौन सी ब्रिज थी जिसकी साफ़ सफाई बहुत तेज़ी से हुई। और ये सामने आपके दिखेगा ये उदिया चौराहा है। तो ये ब्रिज पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था काफ़ी दिनों से, मैंने अपडेट भी दी थी। और इधर देखिए यहाँ पर तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से है। यहाँ पर ये देख रहे हैं सोफ़ा वगैरह लगा है, सो यहाँ पर आके स्टे करेंगे आई थिंक, इस वजह से यहाँ पर इसका टेंट वगैरह लगाया गया। और ये पूरा ब्रिज के नीचे यहाँ पर एकदम गंदगी पड़ी हुई थी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन होता रहता है तो वो समझ सकते हैं किस तरह का माहौल रहता है। जो पूरा का पूरा यहाँ पे साफ़ कर दिया गया है परसों रात के टाइम, वो भी लगकर मशीनें लगाकर यहाँ पे साफ़ सफाई की गई है, क्योंकि इस पूरे ब्रिज का यहाँ पर निरीक्षण करेंगे। सो हम और बाइक में चलते हैं और दिखाते हैं कि ऐसा है माहौल यहाँ पर का। अयोध्या चौराहे के पास की सीन है, यहाँ पर कुर्सी स्टेज वगैरह लग रहा है कि आएँगे तो 2-3 मिनट तो बैठेंगे ही। और उधर साइड अयोध्या चौराहा है। सो और आगे हम चलते हैं, दिखाते हैं आपको। ये है अयोध्या के अंदर एंट्री वाली बाउंड्री, जो कि हम इसको पार करते हुए निकलेंगे अयोध्या की तरफ। चलिए वीडियो बने रखिएगा, हम दिखाते हैं आगे चल के। यहाँ पर अभी देखिए ये साकेत से पहले की कुछ सीन है, तो
यहाँ पर भी काम चल रहा था। इधर साइड देखिए कितना पहाड़ पहाड़ जैसा मिट्टी है, तो इसके लिए यहाँ पे हरा पर्दा लगा के इसको ढक दिया गया है। और यहाँ पर एक ये देख रहे हैं टेंट लगाया गया हुआ है। सो ये देखिए स्टेज यहाँ पर, और उस टेंट के अंदर मंकी इंजॉय कर रहे हैं सब। ये देखिए यूटिलिटी डक्ट बन रहा है कुछ ऐसा ही यहाँ पर। तो इसके ऊपर देखिए शटिंग वगैरह होना चालू हो गई है, और आई थिंक यहाँ पर आज काम बंद है निरीक्षण को लेकर। तो ये साकेत की बाउंड्री है, पूरा यहाँ पे घेर दिया गया है पर्दों से। पूरा पूरा आधा सिटी जो है आधा कर दिया गया है। और हम चलते ही चल रहे हैं, देख रहे हैं। इससे पहले यहाँ पे पर्दा यहाँ पर नहीं लगा था, उधर साइड लगा था। सो आज के दिन यहाँ पर पूरा इस तरह ढक दिया गया है, और काफ़ी साफ़ सुथरी सड़क देखने को मिल रही है। और चलते हैं हम आगे, एक मल्टी लेवल कॉम्प्लेक्स है, सो उसको भी दिखाते हैं वहाँ पर कैसी सिचुएशन है। सो यहाँ पर हम चलेंगे, इधर मल्टी लेवल कॉम्प्लेक्स भी बना हुआ था, सो इसका भी निरीक्षण करेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए ये है मल्टी लेवल कॉम्प्लेक्स, इसके लिए भी यहाँ पर बोर्ड वगैरह लग गए हैं। और जो भी काम हो रहे थे आज के दिन सब के सब बंद है। यहाँ पर भी देखिए ये फ्लैक्स वगैरह लगा दिया गया है, और साफ सुथरे कर दिया गया है जो मटेरियल बाहर पड़े वगैरह थे। और इधर ये पूरा बड़ा से मल्टी लेवल कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेवल पार्किंग बन गई थी। सो यहाँ पर बीच में एक टेंट लगाया गया हुआ है, ये भी एक ब्रिज तैयार हो रही है, और इस ब्रिज से अयोध्या रेलवे स्टेशन की तरफ रास्ता जाता है। तो इसका निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर देखिए एक टेंट बड़ा से लगाया गया हुआ है। तो बच्चे यहाँ पे खेल कूद रहे हैं अभी तो फिलहाल। ये देखिए टेंट इस ब्रिज के नीचे लगा दिया गया है, कुर्सी वगैरह यहाँ पर रखी है, और ये अयोध्या की तरफ रास्ता जाता है अयोध्या रेलवे स्टेशन की तरफ। तो इन सब का निरीक्षण होगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। और ये वीडियो अपडेट अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए।